नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो कवर करी थी कि MSCI की इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है HDFC बैंक। अभी कंफर्म नहीं है बट मे बी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि शामिल हो जाएगा, और अगर होता है तो अराउंड 27,000 करोड़ के इनफ्लोज आ सकते हैं, पैसा आ सकता है। और HDFC बैंक ना इस समय अपनी रेंज के टॉप पार्ट पे खड़ा है। अगर ऐसा हो गया तो वो रेंज को फाड़ देगा और वो शेयर जिस रफ्तार से भागेगा वो अलग ही लेवल की तेजी होगी। लेकिन अभी इफ और बट है यार, इतनी बात सुन के लालच में मत आ जाना, कल HDFC बैंक में तो उठा लेना। अगर नहीं हुआ पानी फिर जाएगा भाई साहब, फिर टूटेगा ये शेयर। बट ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बाकी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो पक्के हो चुके हैं MSCI इंडेक्स में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कौन से हैं वो स्टॉक्स जो MSCI इंडेक्स में शामिल होने जा रहे हैं और कौन से वो स्टॉक हैं जो हो सकते हैं कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट कर जाएं तो, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज इंक्रीज होगा, यानी कि ऑलरेडी इंडेक्स में है थोड़ा वेटेज बढ़ेगा जिसकी वजह से इनफ्लोज आएंगे। तो सारी डिटेल्स आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। ये MSCI की जो रिव्यू इंडेक्स है ये अगस्त में होगी, जहां पर कुछ बड़ी चीजें सामने आ सकती हैं। सबसे पहले जो शामिल होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डन हो गया, बस अनाउंसमेंट रह गई है। आई थिंक अनाउंसमेंट अगस्त फर्स्ट हाफ में आ जाएगी आपके लिए, सेकंड हाफ में तो पूरा का पूरा वेटेज आ ही जाएगा। पहला स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये शामिल होगा और इसके इंक्लूजन के चलते कंपनी के अंदर 2,285 करोड़ रुपीज का इनफ्लो आएगा। डिक्सन टेक पहला शेयर है। सेकेंड स्टॉक है दोस्तों वोडाफोन आइडिया भी शामिल होगा, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया में 2,100 करोड़ के इनफ्लोज आ सकते हैं। थर्ड स्टॉक है प्रेस्टीज स्टेट्स, जिसमें 1,543 करोड़ के इनफ्लोज आते हुए दिख सकते हैं आपको MSCI इंडेक्स में शामिल होने से। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए अगर डिस्कस करें तो रियलिटी स्पेस से ही है ओबरॉय रियलिटी, जिसमें 1,310 करोड़ का इनफ्लो आएगा। इसके इनफ्लोज जो है ना वो आप चेक करिएगा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी का मार्केट कैप छोटा है और इनफ्लो आ रहा है अच्छा, तो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए। ये 1300 1200 1600 करोड़ नहीं, परसेंटेज टर्म्स में किसी के मार्केट कैप के सामने जो इनफ्लो आ रहा है उसके मार्केट कैप पे कितना है। अगर ज्यादा है तो फिर पॉजिटिव ज्यादा है, अगर मार्केट कैप है 1,00,000 करोड़ का और आ रहा है 100 करोड़ रुपए इनफ्लो तो क्या ही फायदा है, फिर वो इग्नोरेबल है। लेकिन मार्केट कैप है आपका 2,000 करोड़ का, इनफ्लो आ रहा है आपके में 500 करोड़ का, तो बड़ी बात है। 2,000 करोड़ का तो खैर किसी का भी नहीं है इनमें से, बट हाँ 10-15,000 करोड़ के करीब का मार्केट, फॉर एग्जाम्पल आप वोडाफोन आइडिया को लें, 1,00,000 करोड़ के करीब, आई थिंक 2,00,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप हो गया अभी तो। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। आगे सेफलर इंडिया भी है जो शामिल हो सकता है और शामिल होने के चलते 1,300 करोड़ के इनफ्लोज आते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट उनो मिंडा है, जिसमें 1,276 करोड़ के इनफ्लोज आते हुए दिखेंगे आपको। अब ये तो है जो शामिल होंगे, नए आएंगे ऐड हो रहे हैं। अब कुछ ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी है, इनफ्लो और आ सकता है क्योंकि वेटेज बढ़ रहा है उनका। अब वेटेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनमें और ज्यादा पैसा आएगा क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। तो इसमें एक तो आपको HDFC बैंक, जिसकी डिटेल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकता है अगर हुआ तो। नेक्स्ट इंडस टावर हो सकता है, जिसमें 1100 करोड़ का इनफ्लो आएगा। नेक्स्ट एम्फेसिस हो सकता है, जिसमें अराउंड आपके लिए 400 करोड़ के इन्फ्लोज आते हुए दिख सकते हैं। तो ज्यादा बड़े इन्फ्लोज तो नहीं है बट 400 करोड़ भी छोटा नहीं होता है, एम्फेसिस के हिसाब से देखा जाए तो काफी छोटा हो जाएगा। अगस्त के MSCI रिव्यू में बड़े ऐलान की उम्मीद है, जो ये आ सकते हैं 6 नए शेयर्स, मैंने आपको बताया 3 स्टॉक्स में वेटेज बढ़ सकता है। और इसी के साथ MSCI इंडेक्स की इमर्जिंग मार्केट में टोटल भारत का वेटेज अभी 19.2% है, जो कि बढ़कर 20% हो जाएगा। तो ये दर्शा रहा है कि इस समय हम इमर्जिंग मार्केट में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बाकी कोई भी कुछ भी कर रहा हो हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है। HDFC बैंक पे सबकी नजर है क्योंकि HDFC बैंक की केवल और केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न का इंतजार है। FIIs की अगर 55% स्टेक आता है तो HDFC का 3.8% से वेटेज बढ़कर लगभग 7.22 7.6
7 to 7.5% के समथिंग वेटेज हो सकता है, जिसके चलते लगभग 27,000 करोड़ के इनफ्लोज आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक है जिसपे क्लोजली सब लोग नजर बना के रखे हुए हैं। होप आपको ये सारे स्टॉक सारी डिटेल्स पसंद आई होगी, समझ में भी आई होंगी। वन मोर थिंग, अगर कुछ ऐड हो रहे हैं तो कुछ बाहर भी होंगे, बाकी पूरा डेटा आपके साथ जब अगस्त में रिव्यू हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।